हमें ये लगातार इसी बात को लेकर के कहते थे मेरा चंडी का क्षेत्र रह गया वहां आपको जाना। हर बार पता नहीं मेरे दफ्तर में कितनी बार इन्होंने लिख करके दिया होगा चंडी जाने की बात कही। और आखिरकार आज मां चंडी का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ, आज मां चंडी के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और चंडी क्षेत्र के लोगों के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पहले तो हमको लगता था कि बद्दी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और उसमें ग्रामीण क्षेत्र में मुझे लगता था पहले बहुत कम हो, जहां गरीब है उसके लिए ज्यादा मदद करने का रास्ता कैसे निकल सकता है, उसका रास्ता निकालने की हमने कोशिश की। और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात हमारी पहली कैबिनेट की बैठक का निर्णय राजनीतिक निर्णय नहीं, आज से पहले जो सरकारें हिमाचल प्रदेश में बनती थी वो राजनीतिक निर्णय करती थी, पिछली सरकार के इन योजनाओं को बंद कर दो, पिछली सरकार के उन नेताओं को अंदर डाल दो, उनके खिलाफ मामले दर्ज कर दो। हमने कहा नहीं, हम काम करने के लिए चुने गए हैं और हिमाचल प्रदेश में काम बहुत करने को है, इसलिए राजनीतिक बदले की भावना से हमने काम की संस्कृति को बंद कर दिया कि दून विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अब की बार फिर से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेंगे। ये वादा आपका रहा और एक वादा हमारा रहा कि आपके इस दून विधानसभा क्षेत्र के इस पहाड़ी क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए चंडी क्षेत्र के लिए एक कॉलेज हम खोलने की घोषणा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हमें ये लगातार इसी बात को लेकर के कहते थे मेरा चंडी का क्षेत्र रह गया वहां आपको जाना। हर बार पता नहीं मेरे दफ्तर में कितनी बार इन्होंने लिख करके दिया होगा चंडी जाने की बात कही। और आखिरकार आज मां चंडी का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ, आज मां चंडी के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और चंडी क्षेत्र के लोगों के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पहले तो हमको लगता था कि बद्दी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और उसमें ग्रामीण क्षेत्र में मुझे लगता था पहले बहुत कम हो, जहां गरीब है उसके लिए ज्यादा मदद करने का रास्ता कैसे निकल सकता है, उसका रास्ता निकालने की हमने कोशिश की। और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात हमारी पहली कैबिनेट की बैठक का निर्णय राजनीतिक निर्णय नहीं, आज से पहले जो सरकारें हिमाचल प्रदेश में बनती थी वो राजनीतिक निर्णय करती थी, पिछली सरकार के इन योजनाओं को बंद कर दो, पिछली सरकार के उन नेताओं को अंदर डाल दो, उनके खिलाफ मामले दर्ज कर दो। हमने कहा नहीं, हम काम करने के लिए चुने गए हैं और हिमाचल प्रदेश में काम बहुत करने को है, इसलिए राजनीतिक बदले की भावना से हमने काम की संस्कृति को बंद कर दिया कि दून विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अब की बार फिर से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेंगे। ये वादा आपका रहा और एक वादा हमारा रहा कि आपके इस दून विधानसभा क्षेत्र के इस पहाड़ी क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए चंडी क्षेत्र के लिए एक कॉलेज हम खोलने की घोषणा। बहुत बहुत धन्यवाद।